गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, एस्टिमेटिंग द सम, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। दोनों में ही हमें राउंड ऑफ करना होता था नंबर को, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड, उसके बाद उसे प्लस या माइनस करना होता था। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट टेंस। मतलब इसे हमें राउंड ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग करना है, देन इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 38 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो 38 का नियरेस्ट टेंस हमें करना हो तो कितना होगा एस्टिमेटेड वैल्यू, यूनिट की प्लेस पे 8 है, मीन्स ये 40 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन 63 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। 63 यूनिट की प्लेस पे 3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या होगा, द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एक्सरसाइज जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको प्लस माइनस की जगह पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 40 × 60, 4 × 6 = 24, 1 2 2 0 लगा दिए तो इसका आंसर कितना हो गया, 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 × 47, तो सेम हम स्टेप करते हैं इसमें भी। 54 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो 54 यूनिट की प्लेस पे क्या आपका 4 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एस्टिमेटेड वैल्यूज की 50 हो जाएगी। नेक्स्ट 47 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, यूनिट की प्लेस पे 7 है, मींस आपका ये 4 क्या बन जाएगा, 5। तो 47 का एस्टिमेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 50। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 50 × 50, 5 × 5 = 25, इसके बाद जितने जीरो हैं काउंट करके आप ऐसे लिख दो, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 × 63, 28 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, यूनिट की प्लेस पे 8 है तो ये आपका क्या बन जाएगा, 30। नेक्स्ट 63 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, यूनिट की प्लेस पे 3 है इसीलिए ये आपका 60 ही रहेगा। द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 30 × 60, 3 × 6 = 18, ये 10, यहाँ का 10, दोनों जीरो प्लस हो गए, यहाँ पे कितने जीरो लग गए, 20, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 1800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। प्रोडक्ट आपको इसमें भी निकालना है, बस यहाँ नियरेस्ट आप टेंस कर रहे थे और यहाँ पे नियरेस्ट आपको क्या करना है, 100 करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 38
376 estimated to the nearest 100. 100 के लिए हमने कौन सा प्लेस देखा है? टेंस की प्लेस को देखा है. टेंस की प्लेस में मोर देन 5 नंबर है, इसीलिए 3 हमारा क्या बन जाएगा? 4. और आगे के 2 डिजिट को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया. 123 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100. तो यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 2 है, मीन्स 100 की प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हो गया आपका 100. द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल टू 400 × 100. 4 बन जा 4, 1, 2, 3, 4. इसके आगे आप कितने जीरो लगाओगे? 4 जीरो. तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 40,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 264 × 147. 264 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100. अब यहां पे टेंस की प्लेस पे 6 है, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा? 300. 147 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100. अब यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 4 है, मतलब 100 की प्लेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 100. नेक्स्ट लाइन क्या होगा हमारा? 300 × 100. 3 बन जा 3, 1, 2, 3, 4. इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे हम? 4 जीरो. तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 30,000. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 423 × 153. 423 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100. अब टेंस की प्लेस पे 2 है, मतलब 100 की प्लेस में कोई चेंज नहीं करना है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 400. 153 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100. अब यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 5 है, मतलब कि 1 में आप 1 को प्लस करोगे, कितना हो जाएगा ये? 2. और आगे की 2 डिजिट को आपको 0 से रिप्लेस करना है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 200. द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल टू 400 × 200. 4 2 जा 8. अब जीरो काउंट करिए. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो आंसर कितना आ गया आपका? 80,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड्स एंड सेकेंड नंबर डाउनवर्ड. यहां आप देखेंगे कि आपको दो नए नए वर्ड्स यहां मिले हैं. पहला है अपवर्ड्स, और दूसरे नंबर पे क्या मिला आपको?
डाउनवर्ड, मतलब अभी तक जो आप राउंड ऑफ करते थे वो नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो आपको राउंड ऑफ करना है वो क्या करना है, पहले नंबर को आपको अपवर्ड करना है और दूसरे नंबर को डाउनवर्ड्स करना है, मतलब पहले नंबर को आपको आगे का लेना है और दूसरे नंबर में आपको बैक जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए अपवर्ड्स, कि अपवर्ड्स क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को आपको बोला जाता है अपवर्ड करने के लिए, तो जैसे हमने ले लिया 129, इसे बोला जा रहा अपवर्ड करना है आपको, तो मतलब इसको आपको 1 के आगे क्या होगा, ये 200, 100 के आगे 200 करना है। इसमें आपके वो रूल्स नहीं लगते कि अगर टेंस की प्लेस पे 0 से 4 तक के कोई भी डिजिट हो तो आपका 100 की प्लेस में कोई चेंज नहीं होता, और टेंस और वंस की प्लेस को 0 से रिप्लेस करते हैं, या टेंस की प्लेस पे मोर देन 5 वैल्यू है तो आप 0 से टेंस और वंस को 0 से रिप्लेस करेंगे और 100 की प्लेस में 1 आप ऐड करेंगे, ऐसा यहाँ पे कोई भी रूल नहीं लगता। अपवर्ड मतलब आपको आगे का लेना है। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे 590, इसमें आप क्या लेंगे, 600 लेंगे। जैसे 72 है तो भी आप यहाँ पे क्या लेंगे, 80 लेंगे, क्योंकि ये 72 जो है वो 70 और 80 के बीच का नंबर है, इसीलिए आपको इसको आगे का लेना होगा। जैसे 129 जो था वो आपके 100 और 200 के बीच का नंबर है, तो इसीलिए इसे अपवर्ड लेना है तो आपने आगे का लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डाउनवर्ड पे। अब आपके पास कोई नंबर है 80, 89, तो यहाँ पे आपको डाउनवर्ड लेना है, मतलब 89 जो है वो 80 और 90 के बीच का नंबर है आपका 89, और आपको डाउनवर्ड लेना है, तो इसीलिए इसका डाउनवर्ड कितना होगा, एस्टिमेशन 80 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए आप, 165, तो ये 165 100 और 200 के बीच का नंबर है, लेकिन आपको इसका डाउनवर्ड लेना है, इसीलिए आप क्या लोगे इसमें 100, और अगर इसमें आपको अपवर्ड लेना होता तो आप क्या लेते वहां पे 200। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, 183 into 154 183 estimated। अब यहां पे क्या लिखा है कि आपको फर्स्ट नंबर को अपवर्ड करना है, मतलब फर्स्ट नंबर इसमें क्या हो गया 183, इसको अपवर्ड करना है। एस्टिमेटेड अपवर्ड्स, तो 183 जो है वो आपके 183 100 और 200 के बीच का नंबर है, इसीलिए अपवर्ड में आप इसमें क्या लोगे 200। नेक्स्ट लाइन 154 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स, अब 154 जो है वो 100 और 200 के बीच का नंबर है, लेकिन इसे आपको लेना क्या है डाउनवर्ड, तो आप इसमें क्या लोगे यहां पे 100। नेक्स्ट लाइन द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 200 into 100, 2 1 जा 2, अब 0 काउंट कर लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 267 into 146, इसमें भी आपको 200 को अपवर्ड्स करना है और 146 को डाउनवर्ड करना है। 267 एस्टिमेटेड अपवर्ड्स, तो 267 जो है वो 200 और 300 के बीच का नंबर है, इसीलिए यहां पे क्या होगा आपका 300। 146 एस्टिमेटेड
डाउनवर्ड्स। और 146 जो है वो आपका 100 और 200 के बीच का नंबर है, और इसमें आपको डाउनवर्ड लेना है, तो 100 और 200 में डाउनवर्ड में क्या आएगा आपका 100। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 300 इंटू 100, 3 1 जा 3, अब ये 2020 कितने हो गए 40, तो आंसर कितना आ गया इसका 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 359 इंटू 76, 359 एस्टिमेटेड अपवर्ड्स। अब 359 जो है, 300 और 400 के बीच का है, तो इसका अपवर्ड कितना हो गया 400। नेक्स्ट लाइन 76 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स, और 76 जो है वो 70 और 80 के बीच का नंबर है, तो यहां पे डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा 76 के 70। द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 400 इंटू 70, 7 4 जा 28, 1 2 3, 3 0 इसके आगे आपको लिख देना है, तो आंसर कितना हो गया 28,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड एंड द सेकेंड नंबर अपवर्ड्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट नंबर को अपवर्ड्स कर रहे थे और सेकेंड नंबर को डाउनवर्ड्स कर रहे थे, पर इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड्स करना है और सेकेंड नंबर को अपवर्ड्स करना है। तो 356 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आपको नीचे लिखना होगा, आप लिखोगे उसी सीक्वेंस में, बस आपको अगर वो फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड बोल रहा है तो आपको फर्स्ट नंबर के आगे डाउनवर्ड लिखना होगा, अगर फर्स्ट नंबर को अपवर्ड बोला जा रहा है तो आपको फर्स्ट नंबर को अपवर्ड्स लिखना होगा। तो 356 का डाउनवर्ड कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 356 300 और 400 के बीच का नंबर है। 278 एस्टिमेटेड अपवर्ड्स, तो 278 जो है वो 200 और 300 के बीच का नंबर है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 300। द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल टू 300 इंटू 300, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 इसके आगे आप 40 लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 472 इंटू 76, 472 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स, तो 472 जो है वो 400 और 500 के बीच का नंबर है, इसीलिए हम इसे डाउनवर्ड के लिए क्या लिखेंगे 400। 76 एस्टिमेटेड अपवर्ड्स, और 76 जो है वो 70 और 80 के बीच का नंबर है, इसीलिए अपवर्ड में हम इसमें क्या लेते हैं 80। द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल टू
400 इंटू 80, 8 फोर जा 32, 1 2 3 इसके आगे आपको 3 जीरो लगाना होगा, तो आंसर कितना हो गया 32। ओके,